बस हमारी जो हिंदी मूवी ऐसा प्यार कहाँ, ये एक लव स्टोरी के ऊपर पूरी निर्धारित है। ठीक है, इसमें जो मेन रोल दिखाया गया है ना, लड़की की निगेटिविटी की वजह से दिखाया गया है। इसमें जो लड़की का जो पात्र है, जो हीरोइन है हमारी, वो एक निगेटिव रोल में आई है। ठीक है, ये तीन इसमें लीड एक्टर हैं हमारे, जो तीनों के साथ में फ्लर्ट करती है। ठीक है, तीनों के साथ फ्लर्ट करती है, और इस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ दिखाया गया है, और ये इसी तरह से निर्धारित हमारी पूरी मूवी है। फिल्म की जो एक्ट्रेस है उसका नाम बताइए और एक्टर यस, का भी नाम बताइए, हाँ जी, जो जो तीन एक्ट्रेस, है। हाँ जी, एक्ट्रेस का नाम है नीलू सिंह, और जो हमारे एक्टर हैं अंशुमन यादव, यादव हैं, और वो अमन राज जी हैं, और हमारे जो थर्ड एक्टर हैं वो राजी राजपूत जी हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक लड़की फ्लर्ट करती है, तो ये कोई सच्ची कहानी में है फिल्म, किस तरह से, मतलब कुछ इसके बारे में बताइए। नहीं जी, हमने हर जगह से कलेक्ट किया हुआ है ना, ये हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ नॉलेज जो कलेक्ट की हुई है हमारी हर जगह से, जगह जगह, प्लेस बाय प्लेस, वहाँ से लेके ये बनाया गया है, स्क्रिप्ट तैयार की है। तो आपका क्या मकसद इस फिल्म के द्वारा मैसेज देना है कुछ समाज के लिए, क्या कहना चाहोगे? फिल्म के माध्यम से बस यही दिखाना चाहते हैं कि जो भी हो हमारा समाज में, किस तरह से बेटर हम समाज को बना सकें, समाज में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें शो करने के लिए। फिल्म कब तक शूट में चले जाएगी? जैसे कि आज फिल्म का हाँ मुहूर्त जी, हुआ है, तो शूट कब तक जाएगा और कब तक ये ट्रेलर्स का रिलीज हो जाएगा, इसके बारे में बताइए। फिल्म शूट हमारा अप्रैल में होना है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्टिंग है। और जैसे कि ये तीन एक्टर लेना, और कितना, मतलब कास्टिंग करने में कितनी परेशानी हुई, कुछ उसके बारे में बताइए। ये परेशानी तो हर काम में होती है, किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शूटिंग के दौरान आपके कुछ ऐसे बातें, गॉसिप या कुछ ऐसे बताए जो मूवी से मुहूर्त रिलेटेड हो? जी, वो तो शूटिंग के ड्यूरेशन में बताएंगे, अभी तो नहीं। तो फिल्म की शूटिंग मुंबई से स्टार्ट होने वाली है, लोकेशंस क्या होगी जहाँ से ये शूटिंग होगी? लोकेशन कौन कौन हमारी से इटावा एक्टर में रखी होंगे? गई है, इटावा में शूट होना है, इटावा यूपी। थैंक यू। ऐसे प्यार की पहले तो हम दर्शकों प्यार को का इसके दर्शकों बारे को में कुछ बताइए। होली की हार्दिक शुभकामनाएं, राज मूवी इंटरटेनमेंट आर्यन राज की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी मीडिया को तहे दिल से शुक्रिया। सर, जैसे कि आपकी जो फिल्म है इसी प्यार कहा, क्या है ऐसा प्यार कहा, फिल्म के बारे में कुछ बताइए, और फिल्म में महिलाओं को गलत तरीके से कुछ दिखाया है क्या? नहीं, इसमें कोई महिलाओं को गलत तरीके से नहीं दिखाया गया है, इसमें एक रियल घटना है। ठीक है, और इसमें दिखाया ये जा रहा है कि आजकल चल क्या रहा है, किसी के प्रति कुछ दिखाया नहीं गया है। महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया गया है, टारगेट महिलाओं के नहीं मतलब है। ऐसा किसी मेल को भी एक्टर को रख सकते थे या बिल्कुल बिल्कुल, कुछ रीजन इसका? इसमें जो है कुछ गलत चीज़ नहीं दिखाया गया है। ठीक है, इसमें बस सिंपल चल रहा है, जो आज के जनरेशन में चल रहा है, क्या हो रहा है, बस यही दिखाया गया, और कुछ है नहीं इसमें। अगर जो मूवी अगर जो चलती है स्क्रीन पे चल रही है, और जो पर्दे पे चल रही है आप लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक ही चीज़ आपको नजर आएगा कि ये मेरा रियल घटना चल रहा है। जैसे कि आप बता रहे हैं ये जो रियल घटना पर है फिल्म, ऐसा कौन सा ये घटना हुआ है जैसे कि इस फिल्म में दिखाने जा रहे हैं कि आप कि एक महिला है जो तीन आदमी को फ्लर्ट करती है, फ्लर्ट तो नहीं करती है इसमें, चीट ये करती चीट भी है, नहीं करती है तो क्या दिखा गया? इसमें, इसमें दिखाया गया है कि एक दूसरे से प्यार करती है। हाँ ठीक है, और दो लड़के हैं जो इससे प्यार करते हैं, ओके, ये स्टोरी है। लड़कियां तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चाहेगा प्यार करना। ओके, ये अगर पोस्टर की बात करें तो पोस्टर में जैसे देखने को मिल रहा है एक छोटा सा बच्चा हाथ पकड़ के खड़ा है, तो ये किस लिए है? लोगो, ये इसमें दिखाया गया है, ये लोगो है राज मूवी इंटरटेनमेंट का, इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चे को कैसे सिखाते हैं कि अपने हाथ पकड़ के चलना, ये सिखाया गया इसमें। और इसमें सिखाने का जो मेन काम है, आप मेरे गुरु राजेश मिश्रा जी, ये बताएं आपको। आइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, जैसे कि मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि फिल्म में तीन एक्टर है, कितना उनको कास्ट करने के लिए क्या क्या आपने सोचा, क्या कारण थे उनके कास्ट किया आपने? वो सब कास्ट के लिए जमे, स्टोरी के हिसाब से फिट बैठे, और काफ़ी क्या क्वालिटी मिली आपको? क्वालिटी कास्टिंग में बेहतरीन है, और एक्टर जो है आपको, तीन एक्टर हैं, तीनों एक्टर, एक मुंबई का है, एक हिमाचल का है, और एक दिल्ली का है। बहुत मेहनत लगा, बट तीनों
तीनों सेलेक्ट हो गए। फिल्म का नाम ऐसा प्यार कहां जी, आपको कोई प्यार हुआ है? नहीं सर, प्यार तो नहीं हुआ, बस देख लिए हैं कैसे क्या होता है सर। कभी देखे कैसे, कुछ महसूस करते हैं कोई है तो? नहीं सर, कोई है नहीं, बट देखते हैं आजकल चल क्या रहा है, बस उसको फोकस करते हैं। शूटिंग आप इटावा में कर रहे हैं? इटावा में अगले महीने कर रहे हैं सर। डायरेक्टर के बारे में क्या कहना है? सावन वर्मा जी, सावन वर्मा जी हमारे डायरेक्टर साहब हैं। आइए सर, ये आप खुद आपको खुद ही बता देंगे। डायरेक्टर तो आप ही हैं। अरे बताइए। थैंक यू सारी मीडिया को और हमारे सारे फिल्म इंडस्ट्री को होली की शुभकामनाएं। जैसा कि अभी फिल्म का मुहूर्त हुआ ऐसा प्यार कहा, राज मूवीज इंटरटेनमेंट एंड प्रोड्यूस्ड बाय जितेंद्र सिंह राजपूत एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन राज एंड साथ में सावन वर्मा। वैसे मैं तो काफ़ी समय से इस लाइन में हूँ, ऐसा संजय भूषण भी जानते हैं, लेकिन अभी हमारे जो नए साथी लोग हैं जितेंद्र जी आर्यन राजपूत, इनके साथ काम करने का अपना एक नया तरीका है और मुझे इनके साथ काम करने में बहुत खुशी हो रही है। एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, एक नया सब्जेक्ट है और एक नया मिशन है। क्या दिया गया क्या प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट के लेके अभी जो है सॉन्ग सो चुके हैं और कहानी जो ऑन बेसिस स्क्रिप्टिंग पे चल रही है और नेक्स्ट मंथ हम लोग जो है 3 अप्रैल से इटावा में शूट कर रहे हैं। जैसे कि उनके बोलने से लग रहा है दे आर ऑल न्यू कमर्स, तो जैसे कि वेमेन सेंट्रिक को गलत दिखाया गया, तो कुछ इस तरह का भावना तो नहीं फिल्म में दिखाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी किसी को हरासमेंट या ऐसा ना हो, लेकिन स्क्रिप्ट में अभी हमारा उतना ध्यान नहीं है, इस अभी राइटर की तरफ से स्क्रिप्ट आई नहीं है। ओके थैंक यू। अब वो ही बोल रहा है, उसको बोल दो। सबसे पहले सुधाकर मिश्रा का आप सभी को प्रणाम एवं होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस फिल्म में एक विधायक का करेक्टर कर रहा हूं, जिसका एक भाई है, कॉलेज में पढ़ता है और हीरोइन से उसको प्यार भी हो जाता है। जैसे कि विधायक, हाँ जी, तो विधायक मतलब विलेन वाला या थोड़ा विलेन? विलेन तो किस तरह का है विलेन, मतलब कि आप एक्ट्रेस को तंग एक कर दब, रहे नहीं मैं किसी को तंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक दबंग है, मैं एक एरिया है मेरा जहाँ मेरी राज चलता है, वहाँ एक मेरा भाई है जो कॉलेज में पढ़ता है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। तो मतलब कुछ ना, अगर भाई गलत भी कर रहा तो उसका साथ देगा? हाँ, साथ ही देते हैं ना, क्या करूँ, मेरा भाई है तो साथ तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत करे चाहे वो सही करे। मैंने बहुत कोशिश की कि सही हो जाए लेकिन नहीं हुआ, तो चलो भाई ठीक है। तो जैसे कि ये विधायक का किरदार है, तो किसको कितनी तैयारी की और भारत के कौन से विधायक को आप? जैसे देखिए, इसमें मेरा नाम है सज्जन यादव, हाँ, और वैसे चेहरे से भी मैं सज्जन दिख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, सज्जनता तो कुछ ना कुछ झलकती है, लेकिन भाई करेक्टर है, करेक्टर तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो किसी पॉलिटिकल ऐसे विधायक से या किसी से इंस्पायर हैं आप जो आपको पसंद? नहीं, मैं एक बार चुनाव लड़ा था वाराणसी में, अब मैं बताऊंगा नहीं कि मैं हारा था कि जीता था। तो जैसे कि आपने देखा कि वाराणसी की बात करें तो बहुत चर्चे में है आजकल, पीएम मोदी वहाँ पे रोड शो कर रहे हैं। ऐसा है कि मैं वाराणसी, आपको लगता है मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ? हाँ, तो आपको लगता है कि और मोदी जी मेरे संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी आने के से कुछ हमारे आपके काम हुआ है वाराणसी? मोदी जी के आने से बहुत कुछ अच्छा काम हुआ है भाई, शिक्षा पे हुआ है। वाराणसी की बात करो, वाराणसी देखिए एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं और ठीक है, वाराणसी में भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं अच्छा काम हो रहा है, अब तो आप लोग मुझे स्वयं नेता बना दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम काया शर्मा है और अभी इस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है ऐसा प्यार कहाँ, और अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं है मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ या नहीं, तो टाइटल क्या बताऊँगी मैं, और मेरा बहुत बहुत शुभकामना है फिल्म अच्छे से शूट हो और अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छा ही हो। थैंक यू सो मच। जैसे कि फिल्म की बात करें तो फिल्म में आपके किरदार को बहुत नेगेटिव दिखाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने एक लड़की जो चीट कर रही है 3 जन पर, तो ऐसा कोई हुआ है रियलिटी में कोई आपके फ्रेंड से जो लड़कों को चीट कर रही है? नहीं, हम रियल लाइफ में ही करते हैं, हम फिल्म में अभी तक ऐसा किरदार नहीं किए हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, कोई आपकी फ्रेंड हो, क्योंकि जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर बोल रहे हैं ऐसी घटना होती है, तो ऐसा कोई आपके? देखो, रियल लाइफ में जो होता है वही हम पर्दे पे दिखाते हैं, ठीक है, तो रियल लाइफ में अगर नहीं होता तो पर्दे पे वैसा दिखाया नहीं जाता है,
तो सब कुछ रियल में ही हो रहा है अभी तक, पर्दे पे अभी तक नहीं है। तो कितनी तैयारी की आपने? बस हो गया, थैंक यू सो मच। मेरे चालू ही नहीं, कुछ बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार, मैं रोशनी सिंह, मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहती हूँ इस पूरी टीम को, ऐसा प्यार कहा, जैसा कि नाम से ये है कि ऐसा प्यार कहा, तो ऑब्वियसली आप जाके देखिएगा, कुछ नया ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस फिल्म में आपका क्या भूमिका है, इसके बारे में कुछ बताइए। आपका रोल क्या है? अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है, क्या कहना चाहिए इस पर 8 मार्च को? आपको तो पता ही है कि वुमेंस कितना आगे जा चुका है, ये भी कहने की बात है, स्पेस पे, अंतरिक्ष में पायलट है लेडीज। बट आपको लगता है कि हमारे देश के अंदर वुमेंस को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता? व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दैट? नहीं, अब रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, हमारा देश भी बहुत आगे जा चुका है, तो ऐसा नहीं। जैसे कि गुरमेहर कौर को ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में, बद्दी बद्दी गाली दी गई, आप क्या कैसे देखते हैं इस तरह के जो मीडिया सोशल मीडिया में दिया है? सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है कि मैं कुछ और कह सकती हूँ, सामने वाला कुछ और बोलता है, तो डिफरेंट मैन, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थॉट्स। आपका नाम रोशनी है, कुछ रोशनी फैलाइए। ये बात सही था। तो कुछ फैलाइए फिल्म के बारे में बताइए, आपने कोई स्क्रिप्ट पढ़ा है, कुछ डायरेक्टर ने पढ़ा नहीं ऐसे के बारे में? आपको जो कुछ भी जानकारी है या मूवी के बारे में डायरेक्टर के बारे में? थैंक यू, थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। चलो एक मिनट, बैनर है राज मूवी एंटरटेनमेंट, राज मूवी एंटरटेनमेंट की ये पेशकश ऐसा प्यार कहां मूवी में आज त्रिशा स्टूडियो में इसका मुहूर्त हो रहा है, और मैं जितेंद्र जी और आर्यन जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ इस मूवी की सफलता के लिए, और सक्सेसफुल आगे बढ़े और बार बार इस स्टूडियो पे मूवी लेके आए हैं। धन्यवाद। माइसेल्फ दिलीप गुलाटी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आर्यन राज जी को और जितेंद्र जी को, और ऐसा प्यार कहाँ है उसके लिए मेरी बहुत बहुत बधाई है उनको। ये फिल्म बहुत अच्छी बने, सुपर हिट हो, आरन जी अच्छे डायरेक्टर हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है ये अच्छी फिल्म बनेगी और सुपर हिट होगी, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। मूवी का बारे में आज अच्छा मुहूर्त था, और इनिशियली मैंने पता लगा कि आर्यन राज जी और जो भी टीम है उन्होंने जल्दी से डिसीजन लिया, पंडित जी ने, जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है कि आज शुभ मुहूर्त है तो आज मुहूर्त किया है, और ऐसा प्यार कहाँ, तो मैं आर्यन राज और पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी तरफ से कि मूवी का जो शूट है और जो कहानी है वो बहुत बढ़िया तरीके से बने और अच्छे उससे सभी टीम लगी हुई है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं। आज सुनने में आई आपकी कोई फिल्म आ रही है, उस फिल्म के बारे में हम जानना चाहेंगे, कौन सी फिल्म है और क्या होगा फिल्म? मूवी मेरी माफिया बिग बॉस आ रही है, इस लास्ट मंथ में प्लानिंग है हमारी रिलीज करने की, मेरे साथ में मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड राइटर डायलॉग्स एडिटर्स सब कुछ दिलीप गुलाटी जी हैं, जिन्होंने मेरा पहली फ्रॉम द बिगनिंग मेरी मूवी आई थी दबंग छोरा और गुरु दक्षिणा, और अभी राज शहनशाह भोजपुरी की मूवी हम प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी कुछ शूट भी हुआ है, तो दिलीप जी मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, मोटिवेटर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि माफिया बिग बॉस मूवी काफ़ी सुपरहिट हो, और अभी हमने ट्रायल भी रखा था तो सभी ने अप्रिसिएट किया, मैं उसके लिए दिलीप जी को थैंक्स देना चाहूँगा कि दिलीप जी ने इतनी अच्छी मूवी बनाई, और साथ में मैं मेरे छोटे भाई अभी इंट्रोड्यूस हुआ है भाई आर्यन राज से, तो वो भी एक मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं राज मूवी एंटरटेनमेंट, उनकी मूवी भी जैसे उनका फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट उनकी अच्छी प्लानिंग जारी है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। स्टार कास्ट अभी डिस्क्लोज नहीं की है, स्टार कास्ट अच्छी ही है, न्यू कॉमर्स है, और कुछ जो पिलर्स के तौर पे इंडस्ट्री में लिए जाते हैं उस तरह की प्लानिंग्स करेंगे, तो जो नेक्स्ट इस तरह का प्लानिंग्स होगी तो उसमें हम पूरा डिस्क्लोज करेंगे मेरे ख्याल से, इस मूवी का जो स्टार कास्ट का अभी कुछ नहीं कह सकते। माफिया बिग बॉस में मेरा सेंटर करेक्टर है, मेन करेक्टर है मेरा माफिया बिग बॉस में, एंड जस्ट लाइक अंडरवर्ल्ड पे मूवी है तो जैसे एक दाऊद का करेक्टर था उस तरह से करेक्टर है मेरा,
एंड बहुत अच्छी मूवी है फ्रॉम द वर्ल्ड की बात कर रहे तो दाऊद क्या ये फिल्म दाऊद के रिलेटेड है क्या है मतलब आपका क्या किरदार है मतलब कोई रियल घटना अंडरवर्ल्ड डॉन के रिलेटेड है कुछ बताइए मूवी सर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ये मूवी जो है ये 1946 से लेके 1986 तक की अंडरवर्ल्ड की गैंगस्टर्स की कहानी है बिफोर आज़ादी से पहले से ये अंडरवर्ल्ड था यहाँ पे उसको हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने किए हैं कुछ रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है कुछ फिक्शन है बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग अ कमर्शियल सिनेमा यू हैव एंटरटेनमेंट आपको ऑडियंस को देना है तो कुछ उसमें काफ़ी अपना रियल फैक्टर्स हैं और कुछ फिक्शंस भी हैं तो ऐसा कोई जो आप कह रहे हैं अंडरवर्ल्ड तो कौन सा एक माफिया है वो जो उसका नाम बताना चाहिए जिसको लेके आप बना रहे हैं नहीं देखिए इसमें मैंने टोटल माफिया को पकड़ा है कि एग्जैक्टली ऑडियंस को ये पता चले कि वॉट इज़ माफिया और इधर जो गैंगस्टर जो अंडरवर्ल्ड जो गैंग वॉर चला वो गैंग वॉर कैसे शुरू हुआ और कहाँ पर जाके ये ख़त्म हुआ तो उसको हमने बेस करके बनाया है पर्टिकुलर कोई एक कैरेक्टर को हमने नहीं पकड़ा है द आवर फिल्म इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रियल कैरेक्टर इन द फिल्म तो कब तक इसकी शूट शुरुआत हो गई उसके बारे में कुछ बताइए ये द फिल्म इज़ ऑलरेडी कम्प्लीटेड फिल्म इज़ सेंसर्ड और इसी महीने के आखिर में या अप्रैल में फिल्म रिलीज होगी ऑल ओवर इंडिया रिलीज होगी इवन ओवरसीज मार्केट में भी रिलीज होगी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है अब लास्ट तो रहता है पब्लिक का रिस्पॉन्स ट्रेलर वी हैव ऑलरेडी लॉन्च ट्रेलर हमने लॉन्च किया है फिर हमने प्रमोशन शुरू किए वी स्टार्टेड फ्रॉम दुबई दुबई में हमारा फर्स्ट प्रमोशन हुआ था उसके बाद सेकंड प्रमोशन हमारा धारा भी एशिया का जो सबसे बड़ा स्लम्स है गैंग वॉर जहाँ बहुत चला वहाँ पे हमने किया अब हम तीसरा प्रमोशन यहाँ पे करने वाले हैं बॉलीवुड में तो इस तरह से सिलसिला शुरू है और होपफुली अप्रैल तक फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज होगी फिल्म क्या मैसेज देना चाहती है इसके बारे में मैसेज ये है कि देखो क्राइम करने वाला सोचता है कि अपना एक मैंने कैप्शन इसमें दिया है कि दे बिलीव्ड क्राइम ऑलवेज पेज लगता है कि क्राइम करने से हमें बहुत मुनाफा होगा हमें फ़ायदा हो जाएगा हम बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में लेकिन मेरा मैसेज ये है कि क्राइम नेवर पेज तो जैसे कि आपका अंडरवर्ल्ड का किरदार है तो आर यू इम्पल्सिव आप कितने मतलब उस वक्त हो गए जब आपने रोल किया रहा होगा मतलब कुछ ऐसी कुछ नेगेटिविटी आई आपको कुछ उस वक्त रोल करते हुए रोल में खो जाना ही सबसे बड़ी बात होती है जो किरदार आपके लिए डायरेक्टर लिखता है आपको देख के एंड ये आर्टिस्ट का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि किस आर्टिस्ट को आप जीना चाह रहे हो आपका रोल क्या है तो वो मैंने बखूबी निभाया है और अभी मेरे लिए खुशी की बात भी है जो हमने ट्रायल रखा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो मेरे खुद डायरेक्टर एंड जो मेरे साथी थे सब ने अप्रिसिएट किया करेक्टर को तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है थैंक यू